क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमाना चाहते हैं, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, क्या आप एक नई कार, नया मकान, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा या जो कुछ भी आपका सपना है आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए उसको पूरा करना चाहते हैं, और क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के अगले करोड़पति बनना चाहते हैं? अगर हां, आपका जवाब हां में है तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको ऐसे पावरफुल सिद्धांत बताने जा रहा हूं, ऐसे तीन पावरफुल सिद्धांत बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अगले करोड़पति बन सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में नीचे लिख करके ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को अपने टीम में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितना आपकी टीम आगे बढ़ेगी, कामयाब होगी, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और कमेंट में ये भी जरूर लिखिएगा कि आप मुझसे और किस विषय में बातचीत करना चाहते हैं। तो आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल, आपका दोस्त, एक प्राउड नेटवर्कर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम इस विषय में बातचीत करने जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अधिक सफलता लेने के लिए आपको तीन ऐसे कौन से काम करने हैं, और इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि एक बार में सारी बातें समझ में नहीं आती है, तो आप जरूर से इसे बार बार देखिए। सबसे पहली चीज, आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है तो सबसे पहली चीज, आपको कामयाब लोगों के जैसा दिखना पड़ेगा। जी हाँ, आप देखिए कि आपसे पहले इस इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं वो कैसे दिखते हैं, आपको जल्दी से जल्दी वैसा दिखना पड़ेगा। तो दिखने में, आपके लुक्स में जो पहली चीज आती है वो आता है आपका ड्रेस कोड। आपको अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना पड़ेगा, ड्रेसिंग सेंस आपको जल्दी से जल्दी एक बिजनेसमैन का अपनाना पड़ेगा, एक कामयाब व्यक्ति का ड्रेसिंग सेंस आपको अपनाना पड़ेगा। मैं आपको ड्रेसिंग सेंस के बारे में थोड़ा संक्षेप में जरूर बताना चाहूंगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, वन टू वन के लिए जाते हैं या होम मीटिंग के लिए जाते हैं, तो लाइट कलर का शर्ट होना चाहिए, व्हाइट हो तो बेस्ट है, नहीं तो लाइट कलर का शर्ट होना चाहिए, डार्क कलर की पैंट होनी चाहिए, ब्लैक कलर का फॉर्मल शूज होना चाहिए, ब्लैक कलर की बेल्ट होनी चाहिए, ये सब चीजें प्रोफेशनल होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल बैग आपके पास होना चाहिए, एक प्रोफेशनल फाइल होनी चाहिए। थोड़ा आपको खर्चा इन चीजों पर करना पड़ेगा क्योंकि यही आपका शोरूम है। आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं, किसी दुकान के सामने आप देखते हैं कि फुटपाथ पर एक शर्ट 200 रुपए की बिक रही है, और सेम वही शर्ट वो, अच्छा उसमें एक कंपनी का लोगो भी लगा हुआ है, उसमें कंपनी का टैग भी लगा हुआ है, और सेम वही लोगो, वही टैग, वही कंपनी के नाम से वो शर्ट पीछे किसी शोरूम में 2000 रुपए में बिक रही है। आप उसे 200 रुपए में नहीं खरीदते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि अगर 200 रुपए में ये वही शर्ट बेच रहा है तो ये कहीं ना कहीं डुप्लीकेट होगा, और शोरूम में अगर बिक रहा है तो ये ओरिजिनल होगा। जबकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रांडेड कपड़े आपको फुटपाथ पे भी ओरिजिनल मिल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड, इसको सेकेंड्स की सेल बोला जाता है। जब भी कोई कपड़ा फॉरेन में एक्सपोर्ट किया जाता है और किसी कारण से वो, चाहे डिले होने की वजह से या कोई कलर किसी प्रकार से गड़बड़ हो जाने की वजह से या छोटी मोटी कोई खराबी आने की वजह से, अगर उसे वापस भेज दिया जाता है तो उसको सेकेंड्स कहा जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना नाम खराब नहीं करती, उन चीजों को वापस से किसी मार्केट के चैनल के थ्रू नहीं बेचती, वो बल्क में उसकी सेलिंग कर देती है। तो फुटपाथ का जो बंदा है, हो सकता है कि बल्क में उसने उसी ब्रांडेड कंपनी का ओरिजिनल कपड़ा खरीद के लाया हो और उसे वो जो 2000-4000 रुपया एमआरपी का शर्ट है वो उसे, हो सकता है 200-300 रुपए में बेच रहा हो, और हो सकता है कि जिस दुकान से आप खरीद रहे हैं जिसमें बहुत चकाचक सब कुछ चमक रहा है, शोरूम में एसी लगा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, वहां पर हो सकता है कि वही सेकेंड्स का सेल का कपड़ा वहां पर भी मौजूद हो, और चूंकि वो सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको वहां पर देखने से ओरिजिनल लग रहा है, तो वो उसी कपड़े को हो सकता है 2000 में बेच रहा हो, मगर आप 2000 में खरीद लेंगे, 200 में नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको भी अपने दिखने के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर आप किसी मीटिंग में आ रहे हैं, किसी सेमिनार में आ रहे हैं, तो लाइट कलर का शर्ट, वैसे व्हाइट सबसे बढ़िया है, ब्लैक कलर की बेल्ट, ब्लैक डार्क कलर का पैंट या सूट अगर आप पहन ले तो बहुत अच्छा, जितने जल्दी आप सूट में आ जाएं, क्योंकि आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग कामयाब हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो सारे के सारे आपको सूट में मिलेंगे, टाई में मिलेंगे, ड्रेस कोड में मिलेंगे। तो आप भी जल्दी से जल्दी ड्रेस कोड में आ जाइए, बाल आपके अच्छे तरीके से कटे हुए होने चाहिए, बिखरे हुए बहुत अलग तरीके के नहीं होने चाहिए, बहुत स्टाइलिश, मतलब जो ऐसा कि थोड़ा अलग सा लुक लगे वैसा नहीं, बिजनेसमैन का लुक होना चाहिए, आप क्लीन सेव होने चाहिए,
साफ सुथरे होने चाहिए। आपको अपने बॉडी ऑर्डर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके शरीर से किसी प्रकार की कोई स्मेल तो नहीं आ रही। परफ्यूम का प्रॉपर या डिओड्रेंट का प्रॉपर आप यूज कीजिए। आपके सॉक्स से भी आप देखिए कि कहीं स्मेल तो नहीं आ रही, कि आपने शूज खोला कहीं पर किसी के घर पे और अंदर आप जब गए तो आपके सॉक्स से स्मेल आ रही है तो उसको भी आपको चेक करना है। आपके मुंह से कहीं स्मेल तो नहीं आ रही, वो भी आपको चेक करना है। दिन में दो बार ब्रश कीजिए सुबह और रात। इसके अलावा आप लौंग या इलायची टाइप की कुछ चीजें रखिए, कुछ माउथ फ्रेशनर्स रखिए ताकि आप जब किसी से मिलने के लिए जाएं तो बिल्कुल अप टू डेट होकर के जाएं। तो जल्दी से जल्दी आप अपने लुक में चेंजेस कीजिए, ये आपका पहला मंत्र है। कामयाब अगर आप होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों के जैसा आपको दिखना पड़ेगा। कामयाबी का दूसरा मंत्र, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों के जैसी सोच, थॉट प्रोसेस या कामयाब लोगों के जैसा माइंड सेटअप आपको लाना पड़ेगा, माइंडसेट आपको करना पड़ेगा। हालांकि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए वक्त लगता है। आपको लगातार अपने कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज और अपने अपलाइन के द्वारा रेकमेंडेड मीटिंग्स और सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में आते रहना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे आपका माइंडसेट चेंज होगा। आपको अपने अपलाइन के द्वारा रेकमेंडेड किताबें पढ़नी होगी। आप यूट्यूब, आजकल यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इसमें स्पीकर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो 5 साल का 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है जो वो आपके साथ फ्री में शेयर कर रहे हैं, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं, वहां से भी आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब के बारे में या किसी भी दूसरे सोर्स से जब आप एजुकेशन लेते हैं उसके बारे में मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आपको इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, एक अपलाइन मिला है, एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। तो आपको अपने अपलाइन की बात को फाइनल मानना है, यानी कोई भी नया तरीका अगर आपको किसी ट्रेनिंग में, किसी सेमिनार में, किसी किताब में या किसी यूट्यूब के चैनल पर आपको कोई नया तरीका मिला जिसके बारे में आपने कभी पहले नहीं सुना था या आपके अपलाइन ने आपको नहीं बताया था, तो उसको फॉलो करने से पहले, उसको इंप्लीमेंट करने से पहले आपको अपने अपलाइन से क्रॉस चेक जरूर करना है। अगर आपकी अपलाइन आपको इजाजत दे कि हाँ आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि उस तरीके का इस्तेमाल आपकी अपलाइन ने आपसे पहले कर लिया है, उनको नुकसान हो चुका है, तो वो आपको मना कर सकते हैं कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए। तो ये सावधानी आप जरूर रखिएगा। तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट चेंज होगा, लेकिन आपको कामयाब लोगों के जैसा सोचना तो पड़ेगा, तभी आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं छोटे छोटे कुछ दो चार आपको पॉइंट्स जरूर बता देता हूं, कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूं कि किस प्रकार का माइंडसेट आपको होना चाहिए, बट विस्तार में मैं एक अलग से वीडियो जरूर से बनाऊंगा। तो सबसे पहला जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपका एक आशावादी नजरिया, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए। आपको हर चीज में आशा को जीवित रखना है। किसी व्यक्ति को आप देखें तो कभी वो भले काम नहीं कर पा रहा, आप ये कभी मत मानिए कि वो कभी काम नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो सीख नहीं पा रहा। आपका डाउनलाइन कोई ऐसा है जो सीख नहीं पा रहा, तो आप ये मत मानिए कि वो नहीं सीख पाएगा। आप हमेशा ये आशा रखिए, आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये सीखना शुरू करेगा, आज नहीं तो कल ये कामयाबी के रास्ते पर चलेगा, आज नहीं तो ये कामयाब होगा। अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हैं, कोई चुनौती आपके सामने है, तो आपके मन में जो पहला थॉट आना चाहिए वो ये नहीं आना चाहिए कि मुश्किल आ गई मेरे पास, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। जो पहला थॉट आपके पास आना चाहिए वो थॉट ये आना चाहिए कि ये मुश्किल है, ठीक है, सबके साथ आती है। जितने भी लोग कामयाब हुए, जितने भी लोग सफल हुए इस इंडस्ट्री में, उन्होंने भी इस मुश्किल का, इन चुनौतियों का सामना तो किया ही है। तो अगर ये मुश्किल अब मेरे साथ आ रही है तो मैं भी इस मुश्किल से बाहर निकल सकता हूं। ये इसको बोलते हैं आशावादी नजरिया। ये आशावादी नजरिया आपको रखना पड़ेगा, सकारात्मक रहना पड़ेगा हर चीज के प्रति, मुश्किलों के प्रति और हर चीजों के प्रति आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा। आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए, यानी आपको शॉर्ट टर्म किसी गेन के लिए काम नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए तो आप कोई नौकरी, व्यापार, दुकानदारी या किसी तरीके से पैसा आप कमाई रहे होंगे, कोई ना कोई काम आप कर ही रहे होंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आए हैं कि आप कुछ लॉन्ग टर्म अचीव कर सकें, अगले 2 साल 5 साल काम करके कुछ ऐसा अचीव कर सकें जो शायद आप अपने वर्तमान जिंदगी में हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और शायद आप आने वाले समय में भी नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा किसी और जगह से हासिल नहीं कर पाते। अगले 2 से 5 साल में आप यहां से हासिल कर सकें, ऐसा एक माइंडसेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि आप आए भी इसीलिए हैं, तो ये माइंडसेट आपका होगा, लॉन्ग टर्म आपका माइंडसेट होगा तो आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो छोटी छोटी परेशानियां आपको रोक देगी, आपको पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। तो ये दूसरा चीज कि आपको कामयाब लोगों के जैसा सोचना पड़ेगा। और तीसरा, पहला हमने बोला कि कामयाब लोगों के जैसा दिखना पड़ेगा, दूसरा आपको कामयाब लोगों के जैसा सोचना पड़ेगा, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कामयाब लोगों के जैसा कार्य और व्यवहार
करना पड़ेगा। व्यवहार, अगर हम व्यवहार की बात करें तो कामयाब लोगों का व्यवहार कैसा होता है? देखिए साहब, कामयाब लोगों का व्यवहार संतुलित होता है। अपने से छोटे लोगों से, अपने से बड़े लोगों से, जो हमसे ज्यादा कामयाब है उनसे भी आपका सामना होगा, जो हमसे बहुत नीचे लेवल पे हैं उनसे भी आपका सामना होगा। आपका व्यवहार एक संतुलन के साथ होना चाहिए। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक सीन है जिसमें संजय दत्त से एक लड़की पूछती है कि मैं एक लड़का देखने जा रही हूं, मेरे पापा ने पसंद किया है, तो मैं कैसे ये एक मुलाकात में तय करूंगी कि वो लड़का मेरे लायक है या नहीं है। तो संजय दत्त उसको सलाह देता है, महात्मा गांधी जी का एक इंस्पिरेशन उसको मिलता है, वो सलाह देता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति की औकात इस बात से मालूम पड़ती है कि अपने से नीचे लेवल के लोगों के साथ वो किस तरीके से बात करता है। आपने नहीं देखा, न्यूज़पेपर मैट्रिमोनियल से मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। वो कहते हैं एक बार मिलो और डिसाइड करो, लेकिन एक मीटिंग में उसे कैसे जज करूं? वो तो अच्छा ही बिहेव करेगा ना। आदमी को परखना हो तो ये देखो कि अपने से नीचे तबके के लोगों से वो कैसे बर्ताव करता है। तो देखा आपने कि अपने से नीचे वालों के साथ आप किस तरीके से बात करते हैं, और अपने से ऊपर अगर कोई व्यक्ति आपसे पद में ज्यादा है, पैसा वो आपसे ज्यादा कमा रहा है, वो आपसे ज्यादा सफल है, वो आपसे ज्यादा कामयाब है, तो वहां पर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन नहीं पड़ना चाहिए। वहां पर भी आपको एक अच्छे तरीके से पूरे स्वाभिमान के साथ उनसे बातचीत करनी है। मणिकर्णिका मूवी का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, बड़ी अच्छी मूवी है, आप जरूर देखिएगा। उस मूवी में झांसी की रानी, जब वो अंग्रेज के गवर्नर वहां पर आते हैं, अंग्रेज गवर्नर वहां पर आते हैं, तो उनके सामने जब वो सब लोग सिर झुका रहे होते हैं और उनको भी बोला जाता है कि आप भी सिर झुकाओ, तो वो बड़ी स्वाभिमान के साथ बोलती है कि मेरा सर न कभी डर से झुका है, न कभी अहंकार से उठा है, बस आंखों में आंखें डालकर मेरा सिर स्वाभिमान के साथ तना रहता है। तो ये स्वाभिमान बहुत जरूरी है, अहंकार भी नहीं होना चाहिए, डर भी नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। तो अपने से बड़े लोगों के साथ भी आपका व्यवहार संतुलित हो, अपने से नीचे वालों के साथ भी आपका व्यवहार संतुलित हो, लोगों को आप इंकरेज करें, लोगों को आप इंपावर करें, क्योंकि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण काम मिला है। बहुत सारे लोग जिंदगी में निराश हैं, आप उनकी जिंदगी में आशा की किरण बनकर जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग दुनिया भर के नेगेटिव शब्द सुन सुन करके नेगेटिव हो चुके हैं, उनको लगता है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आप उनको वापस पॉजिटिव करते हैं, आप उनको वापस मजबूत कर सकते हैं, आप उनका खुद पर से विश्वास वापस बढ़ा सकते हैं, ये आपका काम है। तो आपको उनकी तारीफ करनी है, उनको इनकरेज करना है, लोगों को इंपावर करना है। आपकी संगत में, आपकी सोहबत में कोई व्यक्ति अगर आ जाए तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाना चाहिए, उसके चेहरे पर एक चमक, आपके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट हो, उस व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जानी चाहिए आपसे मिल करके, आपको देख करके, तो एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर हो। और लास्ट इन नॉट द लिस्ट, कि काम तो करना पड़ेगा। सफल लोग किस तरीके से काम करते हैं? सफल लोग अपनी जिंदगी के कुछ साल बेइंतहा मेहनत करते हैं, बेइंतहा। नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग कामयाब हैं वो अपने शुरुआती दौर में उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि मेहनत भी एक बार सोचती होगी कि ये बंदा बड़ा कमाल का है। तो आपको भी खूब, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आप कितने भी फार्मूले लगा लें, कितने भी आप टेक्निक्स लगा लें, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कामयाबी का सबसे शॉर्टकट तरीका है, और इस शॉर्टकट अगर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्टकट का शॉर्टकट नहीं होता, या मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। खूब मेहनत कीजिए, अगले 2 से 5 साल इतनी मेहनत कीजिए कि उसके बाद आपको या आपके आने वाले जनरेशन को जिंदगी में कभी भी पैसों के लिए मजबूरी में काम करना ना पड़े। और यही तो आपका उद्देश्य है। देखिए, काम तो हम जिंदगी भर करेंगे, मरते दम तक करेंगे, क्योंकि हमको लोगों की जिंदगियां बदलने का काम मिला है, तो हम काम तो करेंगे, लेकिन काम मर्जी से और काम मजबूरी से बहुत अंतर है। हम आज जो काम कर रहे हैं, हम नौकरी पे नहीं जाएं, सैलरी नहीं मिलेगी, हम दुकान ना खोले, पैसा नहीं आएगा, व्यापार ना करें, इनकम नहीं आएगी, बट हम नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं कि 2 से 5 साल इतना काम कर लें, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लें कि फिर हम काम ना करें तो भी पैसा आए, काम करें तो भी पैसा आए, फिर जो काम हम करेंगे वो काम हमारी मजबूरी नहीं बल्कि वो काम हमारी मर्जी होगा। तो ये 3 काम हम एक बार समराइज कर लेते हैं। अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, अमीर बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में, करोड़पति बनना है, तो 3 काम आपको करना है। पहला, आपको सफल लोगों के जैसा दिखना पड़ेगा। दूसरा, आपको सफल लोगों के जैसी सोच लानी पड़ेगी अपने अंदर। तीसरा, आपको सफल लोगों के जैसा कार्य और व्यवहार करना पड़ेगा। तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि और किस विषय पर आप उससे
बातचीत करना चाहते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने टीम में अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया।